1947 से पहले हम गुलाम थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट दिन दिहाड़े हम पर जुल्म करती रही। जिन लोगों ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश की उनको दिन दिहाड़े गोली मार या फिर सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर डर के मारे हमने गुलामी कबूल कर ली। अब गुलामों से गुलामी तो करवानी थी, फिर काम के नाम पे हमसे गुलामी करवाई गई। कोई अंग्रेजों के कपड़े धोने लगा, कोई जूते साफ करने लगा, कोई गाड़ी चलाता तो कोई गाड़ी को साफ रखता था। किसी को अंग्रेज अफसर बना दिया गया उनकी हिफाजत करने के लिए, और फिर उन्हीं अफसरों को सुअर का गोश्त खाने पर मजबूर भी किया गया। लेकिन फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज हमें 73 साल हो चुके हैं। लेकिन क्या तुम दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि तुम आज़ाद हो? मानो ना मानो, अगर तुम अपने बच्चों के साथ सड़क पे बैठे हो तो तुम अभी तक गुलाम हो। और सिर्फ एक बैग राशन के लिए तुम पॉलिटिशियन के पैर जाके पड़ते हो तो तुम अभी तक गुलाम हो। और राशन के लिए आने वाले पॉलिटिशियन के साथ तस्वीर निकलवाते हो तो तुम अभी तक गुलाम हो। हम तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब हम अपनों के गुलाम हैं। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करने वाले और गुलाम बनाने वाले चेहरे बदले हैं, हालात नहीं। और अगर ऐसा नहीं है तो जाओ अपने 10 फैमिली मेंबर्स को लेके किसी पॉलिटिशियन के पास और उनके घर के 4 खाली कमरों में सिर्फ 2 दिन रह के दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम आज़ाद हो। थैंक यू।